नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है हाउस एक्सप्लोरर। तो आज फिर से हम लेके आए हैं आपको एक बेहतरीन सोसाइटी में जो कि होने वाली है आपकी नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 में। और सबसे अच्छी बात यही है कि इसके अंदर अभी इन्वेंट्रियाँ बहुत हैं। इन्वेंट्रीज की बात करें तो आपको यहाँ पर 1100 में भी साइज मिल जाता है, 890 में भी साइज मिल जाता है, 1450 में भी साइज मिल जाता है, 1695 में भी साइज मिल जाता है। तो जिस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। प्रोजेक्ट जो है स्वामी फंड से फंडिंग किया गया है और इसका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है टाटा के अंडर चल रहा है, तो टाटा कंस्ट्रक्शन इसको कर रहा है पूरा कंप्लीट। और साथ ही साथ जिस टावर में हम अभी खड़े हैं इसका ओसी अप्लाइड है, 2 से 3 3 से 4 महीने के अंदर ओसी अपना आ जाएगा तो हम फैमिली शिफ्ट कराने स्टार्ट कर देंगे। तो सपोज कीजिए ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, बट फिर भी मैं कहूँगा इसका मेजर पार्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2026 तक इसकी लास्ट डेट है रेरा की। तो मेजरली क्या है ना, आप अभी प्लान कीजिए, आप लेआउट देखिए और आपको जो है बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको 1100 स्क्वायर फीट का लेआउट, जो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। मैं इसे 2+ स्टडी भी बोलूंगा या बहुत से लोग 3 BHK भी बोलेंगे। थोड़ा सा मेजरली अगर देखा जाए तो माइनर सा इसके अंदर अंतर होगा। चलिए प्लीज स्टार्ट करते हैं इसका वॉक थ्रू। देखिए स्टार्टिंग में आपका जो प्राइवेसी के लिए ये आपका फोयर आ जाता है। अगर फोयर की बात करें तो देखिए मेन गेट की हाइट काफी अच्छी दी गई है, 8 फुट की हाइट है, अच्छी खासी क्वालिटी दी गई है। ये अच्छा सा आपका इसके अंदर माइका का वो दिया गया है। अगर देखा जाए तो क्वालिटी अच्छी है और साथ ही साथ जो प्राइवेसी दी गई है वो बेटर है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है यहाँ पर अपना डोर भी लगा सकते हैं और थोड़ी प्राइवेसी के लिए यहाँ पर भी, लेकिन मैं आपको जो है इसका स्टडी या फिर आपको इसको रूम कह सकते हैं वो आप देख सकते हैं। 10x8 का आपका ये रूम होने वाला है, स्टडी कह लीजिए आप इसको चाहे तो, काफी स्पेशियस है। तो मेरी नजर में तो 3 BHK में से समझूंगा कि 3 BHK हो जाता है यहाँ पर। ये आपके यूटिलिटी बालकनी है क्योंकि वेंटिलेशन का बिल्डर हमेशा ही ध्यान रखता है कि सफोकेशन ना हो फ्लैट के अंदर। यही आपको जो है किचन से भी यहाँ पर आ जाती है एंट्री। तो ये जो रूम हो गया आपका तकरीबन जो है 8x10 का हो गया है, आपका स्टडी हो गया है 1100 स्क्वायर फुट में स्टडी, वो भी काफी बड़ा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये जो लिविंग एरिया है ये भी काफी अच्छा स्पेस है इसका, 19x11 का स्पेस हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। हाइट काफी अच्छी है इस फ्लैट की, 1100 स्क्वायर फीट के अंदर आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। एल शेप का आप यहाँ पर अपना सोफा वगैरह यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ सेंटर टेबल हो सकती है, आप स्टडी में शू रैक भी रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप अपना जो है इसके अंदर LED वगैरह प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका डाइनिंग का स्पेस हो जाता है और किचन डबल प्लेटफार्म की है लेकिन किचन बहुत स्पेशियस है। आइए मैं किचन आपको एक बारी दिखा देता हूँ। ये आपका किचन का स्पेस है, आराम से 2 से 3 मेंबर यहाँ आराम से काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा फूडिंग का हो गया है, यहाँ पर आपका सिंक वगैरह ये हो गया है, स्पेस काफी अच्छा दिया गया है। और आप जो है इसके अंदर फ्रिज भी लगाना चाहें तो फ्रिज भी आप यहाँ लगा सकते हैं। किचन काफी स्पेशियस है, ये हाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये फॉल सीलिंग से कवर करेंगे। थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन दी गई है, आपको डोर भी दी गई है, वहां पर आप अपना चिमनी का इसमें से आप एग्जॉस्ट निकाल सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं दूसरा रूम। दूसरे रूम से पहले एक कॉमन वॉशरूम है, वो आपको चेकआउट करा देता हूँ क्योंकि स्पेशियस होने वाला है ये भी। टाइलिंग काफी अच्छी दी गई है, बाथ फिटिंग अभी नहीं है, बाथ फिटिंग भी आपकी जो है ब्रांडेड ही लगेगी जब हम इसमें करेंगे इंस्टॉल। 2 से 3 महीने में इसको हम टावर को रेट मूव करने ही वाले हैं। वैसे भी ये बाथ का काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। एक बार साइड थोड़ा सा अंदर से और दिखा दीजिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने रूम में, जो कि होने वाला है काफी स्पेसियस। 12x आपका जो है 11 का स्पेस होने वाला है रूम का, हाइट वगैरह सब कंप्लीट है। अगर आप इनके इनमें फॉल सीलिंग भी कराते हैं तो फॉल सीलिंग भी आपकी काफी हाइट तक रहती है। और स्पेस के साथ साथ जो है इसके अंदर आपका वार्डरोब का स्पेस दिया गया है। ये वार्डरोब का आपका जो स्पेस है डबल आपकी डोर का स्पेस होगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही आपका जो है स्टोरेज यहाँ पर रख लेगा, संभाल लेगा। रूम साइज काफी अच्छा है, वास्तु के हिसाब से प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। आप अगर बात करें अप्रोच की तो यहाँ से सिर्फ हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे गौर चौक आ जाता है, आपकी 10 मिनट की ड्राइव पे आपको दिल्ली आ जाता है, गाजियाबाद उससे लगता ही हुआ है। हॉस्पिटल की बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 1 में है, बाकी एक हॉस्पिटल यहाँ भी जो कपिल देव जी का बनने वाला है वो भी यहाँ पर बन रहा है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जैसे LT को हो गया है, लाइट हो गया, इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है यहाँ बनते आ रहे हैं। अब आ गए हम अपनी बालकनी में, तो बालकनी से फिर से मैं आपको वही व्यू दिखाना चाहूंगा, कुक काउंटी का हो गया, रिंथ का, इस तरीके से प्रोजेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं सारे।
और इससे भी अभी आगे जो है 3 से 4 किलोमीटर पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि एलमेस हो गया है आपका, ब्रुक्स हो गया, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना आपके आगे तक बन रहे हैं। तो आपकी अभी जो है मिड में ही लोकेशन होने वाली है ये। चलिए आइए, अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको इसका मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम के साथ में जो दिखने वाला है इसका खूबसूरत व्यू। आइए प्लीज, आप रूम साइज देखिए, 12 बाई 12 का आपका जो है मास्टर बेडरूम तकरीबन होने वाला है। रूम साइज के साथ साथ जो है ना इसकी क्वालिटी है, इसकी जो वॉल है बहुत फिनिशिंग वाली है, कहीं से भी ऐसा नहीं है आपका दबाकारी हो किसी भी तरह की, क्वालिटी वाली है, प्रॉपर्टी है काफी। ये आपका रूम साइज आप एक बार देख सकते हैं, अलमीरा मैंने आपको बताई दी थी कि अलमीरा वाला स्पेस भी वही सेम ही है, डबल डोर की अलमीरा है। और ये आपका जो है व्यू है सामने तक का, ये आपका वेंटिलेशन के लिए दिया गया है, आप चाहें तो इसे इन फ्यूचर इसको बंद करके रख सकते हैं, ये आपने बंद कर दिया सेफ्टी पर्पज से, और इसके अलावा जो है इसको ओपन भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, आइए आपको दिखा देते हैं इसका बाथरूम। भाई 2 BHK प्लस स्टोर है आपका, और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी स्पेस मिलने वाला है, बाथरूम भी काफ़ी अच्छी टाइलिंग दी गई है। जब ये रेडी मूव होगा तो तब इसका आपको जो है असली इसका जो पैटर्न पता चलेगा। रेडी मूव होते होते एक तो आउटर सारा क्लीन हो जाता है, आउटर में भी काफ़ी अमेनिटीज है यहाँ पर, और फ्लैट जो है जब ये हम रेडी मूव देंगे तो पूरे टावर को पूरा कंप्लीट करके देंगे, अप्रोच पूरी प्रॉपर बना के देंगे। अभी हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में शूट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको आपकी मनपसंद यूनिट मिल जाए। रेट मूव होते होते यूनिट निकलती है, और वैसे भी आज की डेट में यहाँ मार्केट में अगर देखा जाए तो नियर बाई आपकी पोजीशन के प्रोजेक्ट नहीं है जो कि आपको इन्वेंट्री दे सकें। हम यहाँ पर आपको हर तरह से इन्वेंट्री देने की कोशिश करेंगे, चाहे आप बिलो 5th लीजिए, बिलो 10th लीजिए, बिलो 15th लीजिए, बिलो आपको 20 लीजिए, आपको यूनिट देने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, विजिट वगैरह का प्लान बनाइए ताकि हम आपको यहाँ पर आपके मन के हिसाब की यूनिट दे सके। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।